हेलो सन्नू, कहाँ हो तुम? तुम बंद हो या जंक्शन पे हो? जल्दी बताओ। नहीं मतलब कहीं और कह रहे ना कि इनको किडनी बेच देंगे। इस सुपकती हुई आवाज को आपने सुना? कैसे रूंधे गले से एक बेटी अपनी माँ से बचाने की फरियाद कर रही है, गुहार लगा रही है कि उसकी जान खतरे में है। इस ऑडियो को कोई भी सुनेगा तो सन हो जाएगा, उसका कलेजा कांपने लगेगा। लेकिन आप इस मुगालते और फसाने में नहीं रहिएगा। यह एक बेटी की गहरी साजिश थी जो अपने आशिक के खातिर रची गई थी। उसने जाल बुना था अपने किडनैप होने का, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी के लिए। लेकिन जब ये राज खुला तो सब ने सिर पकड़ लिया। जब प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्मी गाने को आजकल के युवा कुछ ज्यादा ही सच मान बैठे हैं। स्थिति ऐसी है कि प्यार को पाने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर जा रहे हैं। जो माँ बाप बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, वही बच्चे उनकी आंख में धूल झोंकने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचते। जैसा ही नजारा राजधानी पटना से सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर प्यार का खुमार ऐसा चढ़ा कि इस लड़की ने अपने अपहरण की झूठी कहानी बना डाली। इस 19 वर्षीय लड़की ने तकरीबन 1 महीने पहले अपने अपहरण की झूठी कहानी रची थी। लड़की का एक ऑडियो काफी वायरल हुआ था, जिस वायरल ऑडियो में लड़की रोती बिलखती खुद को बचाने के लिए कह रही थी। तभी से बिहार पुलिस इस लड़की की लगातार तलाश में थी, मगर अब पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है, जिसमें ये मालूम पड़ा है कि इस लड़की का अपहरण नहीं हुआ, बल्कि वो अपने आशिक के साथ भाग गई थी और उसने इस असलियत को छुपाने के लिए ये झूठी कहानी रची थी। सबसे पहले इस मामले की पूरी जानकारी देते हुए आपको बता दें कि यह मामला पटना का है, जहां एक परिवार में अचानक उनके घर से उनकी बेटी गायब हो जाती है। 19 वर्षीय BA पार्ट 1 की छात्रा निकिता कुमारी कॉलेज पढ़ने गई थी, मगर उस दिन वो घर वापस नहीं आई। परिवार वाले लगातार उसकी खोजबीन कर रहे थे। वही बेटी के नहीं मिलने के बाद उन्होंने इस बात की FIR दर्ज कराई थी। सबसे पहले देखिए कि उस वक्त बेटी ने क्या कुछ ऑडियो भेजा था और परिवार वालों की स्थिति कैसी थी। हेलो सन्नू, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? तुम बंद हो या जंक्शन पे हो? जल्दी बताओ। नहीं मतलब कहीं और कह रहे ना कि इनको किडनी बेच देंगे। किडनी बेच देंगे? देखिए सर, मुड़ रहे ना। सन्नू तुम कहाँ पे हो? अच्छा कॉलेज से कितना दूर पे तुमको लेके गया था? बेहोश कर दिया था। कहाँ पे किया था? आरपीएम कॉलेज पास? नहीं तो कॉलेज गए थे। ओरिएंटल कॉलेज? अच्छा नहीं उठाए तो पश्चिम दल बच्चा चल गए कान वगैरह। फिर कॉलेज गए, वहां से आए, फिर कुछ याद नहीं है। कॉलेज गई ओरिएंटल, वहाँ पे ओरिएंटल, वहाँ के बाद याद नहीं है तुमको? नहीं फिर पश्चिम दल बन जाएगा। अच्छा अभी तुम कहाँ पे हो, किसी रूम में या रोड पे? इस घटना के बारे में बता दें कि उस दौरान उनकी बेटी निकिता कुमारी ने खुद के मोबाइल से फोन किया और अपनी माँ से गुहार लगाते रोते बिलखते एक कॉल किया था, जिसमें उसने बताया था कि उसका अपहरण हो गया है। उसने बताया कि किसी बंद कमरे में उसे रखा गया है और यहाँ तक कि उसकी किडनी बेचने की भी बात की जा रही है। बेटी का यह ऑडियो सुन परिवार वाले परेशान हो गए और 1 महीने से लगातार उसकी छानबीन जारी थी। इस लगातार छानबीन के बाद जो खुलासा सामने आया है वो काफी चौंकाने वाला है। इस खुलासे में परिवार वालों को ही नहीं बल्कि पुलिस को भी चौंका दिया है। जहां परिजन और पुलिस उसकी चिंता में उसे ढूंढ रहे थे, वहां बेटी अपने आशिक के साथ मौज कर रही थी। कई सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे, जिसमें वो लड़की अपने आशिक के साथ होटल में आते जाते नजर आई। वहीं सड़क पर बुरखा पहनकर वो अपने आशिक के साथ मजे से घूमते दिखाई दी। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पूर्वी CS पटना संदीप सिंह ने क्या कुछ बताया, आइए सुनिए। देखिए मामला एक मेहदीगंज थाने से रिलेटेड है। इसमें एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिसे मीडिया के द्वारा प्ले किया गया था कि
कि 31/7/2023 को मेहदीगंज थाना में रहने वाली एक लड़की जिनका नाम निकिता श्रीवास्तव है, उसके घर वालों के द्वारा एक ऑडियो क्लिप थी जिसमें वो लड़की रो के कह रही थी कि उसकी किडनैपिंग हो गई है। फिर उसके बाद जो है काफ़ी मीडिया में भी आया था कि लड़की को किडनैप कर लिया गया है और बहुत सहमी हुई है। तो इस चीज़ को चुनौती लेते हुए पुलिस के द्वारा जो है डे वन से ही इस पर काम किया जा रहा था। इसमें स्टार्टिंग, क्योंकि ये 31 की घटना है, 31 जुलाई, तो इमीडिएटली अगले दिन ही हमको जो है इसमें क्लूज़ आने शुरू हो गए थे। 1 अगस्त को जो है बहुत महत्वपूर्ण क्लू आए थे, उसी को डेवलप करते करते हम लोग की टीम जो है, क्योंकि ये इसमें पूरा मामला था ये बिहार के बाहर का भी इसमें पार्ट है, तो पूरी टीम जो है इसमें लग गई थी। जो पूरा प्रकरण है इसमें ये था कि ये पूरा मामला, जो ऑडियो क्लिप भी था और जो बात आई थी कि किडनैपिंग होती, ये पूरा फॉल्स है, ये पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया गया था। एक गलत सूचना लड़की द्वारा खुद ही अपने माता पिता को, अपने घर वालों को दी गई थी, बिल्कुल उनको भ्रमित करने के लिए। जो पूरा मामला था कि ये जो लड़की है जिनका नाम निकिता श्रीवास्तव है, ये अपने घर से निकली ये कह के कि ये खाजेकला जाएंगी ओरिएंटल कॉलेज में, इनका कोई एडमिशन के चक्कर में, वहाँ से ये इनका एक जानने वाला, जो इंस्टाग्राम पे इनका जानने वाला बना था, उसका नाम गुरु प्रताप है, वो पंजाब का रहने वाला है, ज़िला संगरूर का। तो उससे ये इंस्टाग्राम पे चैटिंग इनकी हो रही थी, वही इंस्टाग्राम चैटिंग के दौरान ही इनका जो है ये आपस में बातचीत हुआ हो, जिसके क्रम में ये मेहदीगंज थाना से 31 को निकली और 2 तारीख को, लगभग 2 अगस्त को ये पंजाब में थी। संगरूर में ये लोग गए, फिर लुधियाना में गए, लुधियाना के बाद चंडीगढ़ में जाके पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में इन्होंने एक पिटीशन दायर की, जिसमें इन्होंने स्वयं एक पिटीशन डाली हुई है कि इनको इनके घर वालों के द्वारा जान का खतरा है। उस पिटीशन पे कार्रवाई करते हुए जो वहाँ के हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है वो हम आपको शेयर कर देंगे, उसमें जो है पिटीशनर्स को सुरक्षा, पुलिस सुरक्षा पंजाब पुलिस के द्वारा, और एक आदेश दिया गया कि जो पिटीशनर हैं वो दोनों, एक गुरु प्रताप और निकिता श्रीवास्तव के द्वारा जो पिटीशन दी गई थी कि वो जो कंसर्न्ड उनका लोकल पुलिस स्टेशन है उसकी बाउंड्री के बाहर नहीं जाएंगे। तो एक तरह से जो है उन्होंने जो पार्टी है अपने घर वालों को भी इसमें पार्टी बनाया था कि उनको उनसे जान का खतरा है। तो ये देखते हुए पूरा जब मामला संज्ञान में आया, तो ये जिस यहाँ जब बिहार से गई तो वहाँ संगरूर में या लुधियाना में एक होटल है एमके बांसल होटल, वहाँ पे ये पहुँची। वहाँ पहुँच के जो हमारी टीम इनको फॉलो कर रही थी उसमें वीडियो फुटेज भी हैं कि जब ये रिसेप्शन पे गई हैं और बिल्कुल फ्री एक पर्सन की तरह ये और इनके साथ जो गुरु प्रताप है वो घूम रहे हैं, और घर वालों को इन्होंने जो है एक भ्रामक वीडियो या ऑडियो जो भी भेजा हुआ है, और बिल्कुल एक फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाया गया। तो ये पूरे मामले से जब हाईकोर्ट का भी आदेश था, उसके बाद जो है हमारी जो टीम गई हुई थी हाईकोर्ट के आदेश का पालना करते हुए, जो लोकल कोर्ट है वहाँ का, वहाँ पे जाके इन्होंने 164 का बयान उस लड़की का करवाया, जिसमें उन्होंने स्वयं जाने की बात कबूली है, और वहाँ के जो सब डिविजनल जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने इन्होंने स्वयं ये भी कहा है कि ये लिव इन रिलेशन में रहने का इनके द्वारा फैसला किया गया है, और अकॉर्डिंगली जो कंसर्न कोर्ट्स हैं उनके द्वारा, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 18 वर्ष के ऊपर हैं, तो इनको सुपुर्द उन्हीं के जो जानने वाले हैं गुरु प्रताप और उसकी फैमिली, उन्हीं को सुपुर्द किया गया है ऑनरेबल कोर्ट्स के द्वारा। इस लड़की का प्रेम प्रसंग पंजाब संगरूरू के रहने वाले युवक गुरु प्रताप से इंस्टाग्राम द्वारा शुरू हुआ था। प्यार में दोनों ने घर से भागने का पूरा प्लानिंग किया था। पटना पुलिस की टीम पंजाब के संगरूरू गई और महिला सुरक्षित अवस्था में अपने प्रेमी के साथ शादी कर रही थी। फिलहाल ऑडियो की बात बिल्कुल गलत है। इस मामले में लड़की का बयान लुधियाना न्यायालय में करवाया गया, जिसके उपरांत बालिक युवती के सहमति जताने से उन्हें गुरु प्रताप और उनके परिवार को सौंप दिया गया। लड़की बालिक थी, ऐसे में उसकी बात को मानते हुए उसके आशिक के पास ही उसे छोड़ दिया गया।
इस पूरे वारदात में आश्चर्य की बात यह है कि एक लड़की लगातार एक महीने तक अपने अपहरण की साजिश बुनती रही और परिवार वालों को परेशान करती रही क्योंकि उसे अपने आशिक के साथ भागना था। इसे देख अब लोग यही कह रहे हैं कि प्यार में लोग अपनी हदों को भी भूल जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।